हेलो बच्चों, अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ए बी अंडर रूट ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बच्चों। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, इसको करने से पहले सबसे पहले मुझे देखो, इसको इससे ए बी को पूरा इससे मल्टीप्लाई, फिर ए बी को फिर वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा बच्चों ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। बच्चों अब ध्यान से देखिए, मैं एक काम करता हूँ। देखिए इसमें एक्स है, इस पर भी एक्स है, और इसमें बी है, इसमें भी बी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ। वैसे तो आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर देखिए अब करते हैं इसको, इसको अब मैं करता हूँ। तो बच्चों अब मैं करता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ इसकी पोजीशन में, और इसकी पोजीशन में इधर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर मैं करूँगा प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है। देखिए इन दोनों में से ए भी है, ए बी है, एक्स भी है, एक्स भी है। तो मैं ए एक्स कॉमन ले देता हूँ, तो मेरे पे बचेगा बच्चों बी एक्स माइनस ए वाई प्लस, अब इसमें देखो बच्चे क्या कॉमन है, एक्स वाई एंड बी, वाई और बी कॉमन है, और इसमें भी बचेगा बच्चों वाई बी कॉमन, वाई एंड बी, ठीक है। अब इसमें वाई बी कॉमन मैंने ले लिया, तो इसमें बचेगा बच्चों ए वाई प्लस माइनस माइनस होगा ए वाई माइनस बचेगा इसमें बी एक्स। तो बच्चों देखिए, ये बी एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो मुझे इसको चेंज करने के लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, ये तो ऐसी है, माइनस साइन करूँगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह आ जाएगा। तो बी एक्स माइनस ए वाई, अब ये देखिए सेम आ गया, तो ये हो जाएगा बी एक्स, सॉरी ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई हो गया एक, और ये हो गया ए एक्स माइनस वाई बी हो गया मेरा सेकेंड टर्म। सो इट्स सो सिंपल। अब हम करते हैं इसी का 9th का सेकेंड पार्ट। तो बच्चों देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि ये होल स्क्वायर वाला है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स बी वाई, इसमें भी मैं ऐसे ही करता हूँ, जगह बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस टू बी एक्स ए वाई। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर है, मैं इसको काट देता हूँ, ये सिमिलर नहीं है, देखिए इसको काट देता हूँ, और अब मैं इसको अलाइनमेंट में रखता हूँ कि कौन सा मैं किस पे रखूँ। तो देखिए मैं रखता हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से देखिए बच्चों क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर में ले लेता हूँ बार, जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये बिल्कुल सेम ही है, अब आप यहाँ पर माइनस मत लगा देना, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर ही माइनस लगा देते हैं,
तो यहाँ पर आप लोग माइनस मत लगाना, ये गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि देखो ये तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर भी प्लस का है, वाई स्क्वायर भी प्लस का, तो आगे पीछे कर सकते हो आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, और ये बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक्स स्क्वायर कर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी हमारा 9th क्वेश्चन इजीली हो गया। अब हम करते हैं बच्चों इसका 10th क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों ए क्यूब प्लस ए बी ब्रैकेट में ए माइनस टू ए माइनस टू बी स्क्वायर। तो बच्चों सीधे सीधे ए बी तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों ए क्यूब प्लस ए बी माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू बी स्क्वायर। देखिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ए इसमें कॉमन ले लेता हूँ और इसमें मैं टू बी कॉमन ले लेता हूँ। देखिए बच्चों मैं इसमें ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस, इसमें मैं ले लेता हूँ टू बी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा बच्चों ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस और पी, तो ये हो जाएगा ए माइनस टू बी ए स्क्वायर प्लस पी, दोनों सिमिलर हो गए, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों ये वाला पार्ट। देखिए बच्चों ये तो सीधे सीधे हो रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थ्री कॉमन ले लेता हूँ और एक्स कॉमन और वाई भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस वन प्लस, बच्चों मैं यहाँ पर प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच्चों हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वन, तो बच्चों ये हो जाएगा, ये दोनों दे मेरे सिमिलर आ गए, तो एक्स माइनस वन आ गया और दूसरा आ गया मेरा 3xy+12। अच्छा ध्यान से देखिए बच्चा, इसमें भी तीन कॉमन है, तो मैं काम करता हूँ एक्स माइनस वन थ्री बाहर लेता हूँ, तो xy+4, सो दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोनों। तो अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11, 12 एंड 13 बचे, तो वी विल प्रोसीड फॉर दैट। तो बच्चों अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन, जो कि बड़ा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, 11th क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 4.3 का। देखिए बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन है, बताओ 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 क्या कॉमन है। देखो ए बी कॉमन है, बी बी कॉमन है, ब्रैकेट लगा लूँगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी बचेगा, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो बी और सी कॉमन है, तो मैं बी और सी कॉमन लिख लेता हूँ, बचा क्या ए। अब माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पर बी, यहाँ दो बी थे तो यहाँ पर एक बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स और वाई कॉमन है, एक्स और वाई लिख देता हूँ, फिर ए प्लस बी बच गया, एक दो तीन, सीधे सीधे मैंने सीधे लिख दूंगा ए प्लस बी, और बचा क्या, वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा मेरा ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा 12th क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा, बचा क्या ए माइनस बी, फिर प्लस एज इट इज उतार दिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, बचा क्या ए माइनस बी, फिर प्लस एज इट इज उतार दिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर, बचा क्या ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, तीनों में फैक्टर में लिख देता हूँ ए माइनस बी, लिख दिया ए माइनस बी, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज माय आंसर। काफ़ी इजी था ये भी। चलो 13th करते हैं और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद करेंगे हम 4.3।
तो बच्चे अब हम करते हैं 13 क्वेश्चन। तो बच्चों कैसे करना है इसे, चलो लेट्स स्टार्ट। एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए बच्चों कॉमन है ए, तो मैं ए ले लेता हूँ एक्स माइनस वन। अब देखिए सब में एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, तो मैं एक्स माइनस वन क्या करता हूँ बच्चों कॉमन ले लेता हूँ बाहर में, तो इसमें आया वन, इसमें बचा एक्स माइनस वन बचा और इसमें बचा बच्चों ए। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये माइनस अंदर बच्चों ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा ए। तो बच्चों मेरा आंसर आएगा एक्स माइनस वन और ये वन प्लस वन कितना होता है बच्चों टू, माइनस एक्स प्लस ए। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये भी, पर थोड़ा सा ट्रिक इसमें ये थी कि हमें थोड़ा सा आराम से देख के चलना था इसे, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। पर ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, 4.3 सॉरी।